स्टेट गवर्नमेंट हम पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या बताया गया, जैसे राज्यपाल क्या करता है, उसके बाद में बताया गया है कि मुख्यमंत्री क्या करता है, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री परिषद क्या करता है, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, तो राज्य मंत्री परिषद के बाद में आता है राज्य विधानमंडल, फिर हाई कोर्ट, स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है और सेंटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है सबॉर्डिनेट कोर्ट, क्योंकि स्टेट के अंदर अधीनस्थ न्यायालय होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उच्चतम न्यायालय होता है या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जिसे। तो अधीनस्थ न्यायालय, फिर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? और राज्यपाल के क्या काम है वो हम देखते हैं। भारत के संविधान में राज्य की उसी तरह का परिकल्पना की गई है, राज्य में सरकार उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र में है, इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होती है, इसे विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य का स्वयं का अपना संविधान है। जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं, और राज्य के महाधिवक्ता भी इसमें शामिल होते हैं, यानी राज्य के महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल है वो भी राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है जैसा कि केंद्र में उपराष्ट्रपति होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल का जो कार्यालय है दोहरी भूमिका निभाता है, यानी कि ये केंद्र और राज्य के बीच में प्रतिनिधि का काम करता है, या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य पर काम करता है या राज्य में काम करता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को, या 1956 की जो धारा थी उसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, राज्यपाल न तो जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है, तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो उसका चुनाव होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार यह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय को 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। तो ये उच्चतम न्यायालय ने 1979 में व्यवस्था की जिसके अनुसार राज्य में जो राज्यपाल का कार्यालय है केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके कारण क्या है? राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो जब अगर हम राज्यपाल का अगर सीधा निर्वाचन कर देते हैं तो इससे जो राज्य में स्थापित है संसदीय व्यवस्था उसकी स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है, इसलिए राज्यपाल का चुनाव नहीं कराया जाता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था
और बाहरी धनखर्च की कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरीके से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष या निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणाएं बन पेंगी जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरा दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसलिए अमेरिका का जो मॉडल है, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, उसको छोड़ दिया गया, और कनाडा जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया, संविधान द्वारा अपनाया गया, तो यहाँ पर जो कनाडा की जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है, अमेरिका की व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया नहीं गया है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने की दो योग्यताएं बताई गई हैं। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त दो अन्य परंपराएं भी जुड़ गई हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। और दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी, दूसरा क्या बताया गया है, जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराओं को कुछ मामलों में उल्लंघन भी किया गया है। राज्यपाल की पद की शर्तें क्या हैं वो हम देखते हैं। संविधान ने राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान किया गया है। उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो उसे सदन से उस स्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के उसे राजभवन यानी आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। वह सदन द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों विशेषाधिकार भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त किए हो, तो उसे उपलब्धि भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। 2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अपने विशेषाधिकार उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यालय के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने की नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उसके विरुद्ध नागरिक कानूनी संबंधी कार्यवाही
प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेना लेता है। शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं कि निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा, स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उनकी अब अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद के दायित्व का निर्वहन करने पर इसी प्रकार की शपथ लेनी होती है। राज्यपाल की पदावधि क्या है? सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा है और न ही कार्यकाल की निश्चिंता है। उसे राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसलिए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 ने उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अंततः कुछ राज्यपालों को बदला गया था जबकि कुछ को बने रहने दिया गया। यही प्रक्रिया 1991 में दोहराई गई जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पीवी नरसिम्हा राव सिंह ने चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया था। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसको भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। इसके पीछे यह तर्क है कि राज्यों में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता की कोई स्थिति पैदा न हो पाए। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकती है। जैसे कि वर्तमान राज्यपाल का निधन, ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है? राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां उनके कार्यों को हम इन शीर्षकों से दे सकते हैं जैसे कि कार्यकारी शक्ति क्या है, विधायी शक्तियां क्या दी गई हैं, कार्यकारी शक्ति का राज्यपाल को क्या दी गई है और वित्तीय शक्तियां क्या दी गई हैं, न्यायिक शक्तियां क्या दी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां क्या दी गई हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां इस प्रकार हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। वह संबंध में नियम बना सकता है। उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश व अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे? वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक वो पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जन जाति कल्याण मंत्री होगा। बिहार राज्य 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया है। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। उसका पारिश्रमिक तय करता है यानी महाधिवक्ता को कितना वेतन दिया जाना है वो उसे तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्य अवधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है न कि राज्यपाल।
वह मुख्यमंत्रियों से प्रशासनिक मामले व किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में हो जाता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियां क्या हैं? राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी नियुक्ति विधायी शक्तियां एवं कार्य होते हैं। तो किस तरीके की विधायी शक्तियां होती हैं? वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मामले पर संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो, तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा का ज्ञान हो और जिनका व्यवहारिक अनुभव हो। तो यह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के लिए एक अंगले भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। विधानसभा सदस्य की निरर्थता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है या स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है। विधेयक को यदि वह धन विधेयक हो न हो तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक के पास कर दिया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक और उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हो, तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। अधिकारातीत अर्थात संविधान की उपलब्धियों के विरुद्ध न हो, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध न हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध न हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित न हो। वह राज्य विधानमंडल का सत्र न जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश को घोषणा कर सकता है। इस विधेयक को राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। वह राज्यपाल को सबसे महत्वपूर्ण किसी भी अध्यादेश को समाप्त कर सकता है। ये राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को समाप्त कर सकता है। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालक्षा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। अब राज्यपाल को वित्तीय शक्तियां क्या प्राप्त हैं वो हम देखते हैं। राज्यपाल को वित्तीय एवं कार्य जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, यानी राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उनकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना उनकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। चाहे किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्तियों की तुलना किस तरीके से की गई है? राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं और राज्यपाल की शक्तियां देखते हैं। सामान्यतः विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति ये कह सकते हैं, प्रत्येक साधारण विधेयक जब संसद में दोनों सदनों चाहे वह चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो इस मामले में उसके पास 3 विकल्प होते हैं। सामान्य विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला,
वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या फिर विधेयक अधिनियम, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति अवश्य देगा। इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, जब कोई भी विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास में तीन विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, जिसके बाद वह अधिनियम बन जाएगा। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, फिर विधेयक खत्म हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन के या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वीकृति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब देखते हैं कि सामान्य विधेयक से संबंधित राज्यपाल को क्या नियुक्तियां दी गई हैं या क्या अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल के संदर्भ में देखते हैं, प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों के द्वारा पहले दूसरे मौके में पारित कर उसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के पास यहाँ पर 4 विकल्प होते हैं। पहला तो विकल्प ये होता है कि वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, विधेयक फिर अधिनियम बन जाता है। दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है और विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है, यानी विधेयक विधानमंडल के सदन से पास कर दिया गया है दोनों सदनों के द्वारा, तो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल उसे स्वीकृति अवश्य देगा। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन का वीटो प्राप्त है। वह विधेयक को राष्ट्रपति की केवल के लिए सुरक्षित रख सकता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, तो उसके बाद विधायिका को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। तो उसके बाद में अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है, तो उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो वही राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब देखते हैं धन विधेयक से संबंधित क्या अंतर है दोनों की शक्तियों में। संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास 2 ही विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि अधिनियम बन जाए, वह स्वीकृति न दे तो विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। धन विधेयक से संबंधित राज्यपाल की क्या शक्ति दी गई है। कोई भी वित्त विधेयक को जब राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। वह विकल्प को स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन जाए। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, जिससे विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं भेज सकता। जब राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति धन विधेयक के संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयक को वो संसद में पुनर्स्थापित होने के फलस्वरूप को स्वीकृति देता है, क्योंकि तो इसको पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इसको पूर्व अनुमति के प्रस्तुत किया जाता है। जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास में 2 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन जाए, वह उसे अपनी स्वीकृति रोक सकता है तो विधेयक खत्म हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए है नहीं भेज सकता, जैसा कि संसद के मामले में होता है। सामान्य
समानता जो राज्यपाल के मामले में होता है उसकी पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा के द्वारा पुनः स्थापित विधेयक वित्त विधेयक को वह स्वीकृति दे सकता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप ऊपर फिर से उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इस तरह आगे चलकर राज्यपाल को मंजूरी आवश्यकता नहीं होती है। अध्यादेश के निर्माण में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों की तुलना हम देखते हैं कि अध्यादेश के निर्माण में किस तरीके से इनकी तुलना की गई है। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। जब किसी अध्यादेश को केवल तभी जो राष्ट्रपति है किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों या कोई एक सदन सत्र में न हो। दूसरे उपबंध से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों के द्वारा पारित की जानी होती है न कि एक सदन के द्वारा। राज्यपाल के मामले में देखते हैं। वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा एक परिषदीय व्यवस्था है सत्र में न हो या सत्र में बहुसदस्यीय व्यवस्था विधानमंडल के सदन सत्र में न हो, विधानसभा के सदस्य न हो या परिषदीय व्यवस्था या विधानसभा के सदस्य न हो। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन बहुसदनीय व्यवस्था सत्र में न हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी होता है। तो राज्य में जो विधानसभा विधानमंडल है, किसी राज्य में विधानसभा ही होती है, किसी राज्य में विधानसभा विधानमंडल दोनों भी होते हैं, तो दोनों से पारित होना जरूरी है। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थिति बन गई है कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। और राज्यपाल के संबंध में देखें कि जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तुरंत कदम उठाना चाहिए तो वह अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। राष्ट्रपति है अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे सदन के सह अस्तित्व में समान शक्ति है, अर्थात वह उन्हीं विषयों का अध्यादेश जारी कर सकता है जिसके संबंध में संसद विधि बनाती है। राज्यपाल के संदर्भ में हम देखें अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है जिन पर विधानमंडल की विधि बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति के बारे में देखें कि उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है जैसे कि संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। और राज्यपाल के मामले में हम देखें कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश को शक्ति राज्य विधानमंडल के द्वारा जारी अधिनियम के समान ही होती है। संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को सीमाओं के बराबर संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसकी द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं हैं। इसका मतलब है कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य न हो। और राज्यपाल के बारे में देखें, इसके द्वारा अध्यादेश को मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है, अर्थात इसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वह अवैध हो जाएगा। राष्ट्रपति के मामले में देखें कि वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। राज्यपाल एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश या उनकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है कि वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। और राज्यपाल के मामले में हम देखें, इसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हो सकता है। राष्ट्रपति उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदस्यों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। और जो राज्यपाल है इसके द्वारा जारी अध्यादेश को पुनर्निर्मित करने के लिए उसे विधानमंडल के दोनों सदन यानी द्विसदनीय व्यवस्था हो तो उसमें प्रस्तुत करना चाहिए। राष्ट्रपति के मामले में हम देखें कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद को सत्र प्रारंभ होने के 6 माह उपरांत समाप्त हो जाता है। वह उस दिन में पहले ही समाप्त हो जाता है जब संसद के दोनों सदन उसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित करें। और राज्यपाल के मामले में देखें कि इसके द्वारा जब जारी अध्यादेश है राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 महीने के उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इससे पहले ही समाप्त हो जाता है यदि राज्य विधानसभा इसे अस्वीकृत कर दे। विधान परिषद को इस अस्वीकृति को सहमति प्रदान करनी चाहिए। उसे अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने में किसी भी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है।
राज्यपाल यह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के निम्न मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल में अपनी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने, यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वह अवैध हो जाएगा। समाधान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्ति हम देखते हैं। राष्ट्रपति को समाधान के मामले में क्या शक्तियां दी गई हैं? वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उनका प्रतिलंबन विराम या परिहार करने की अथवा दंडोदेश का निलंबन परिहार या लघुकरण कर सकता है। राज्यपाल के मामले में देखें, वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति के मामले में देखें तो यह सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्युदंड को सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल के मामले में देखें, वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से ही क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल उसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वह कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्ति व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। और राज्यपाल है, उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायिक शक्ति हम देखें, राज्यपाल को क्या शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार है। राज्य के राज्यपाल को राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी या जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दी सिद्ध दोषी ठहराई गई किसी व्यक्ति की दंड की सजा या दंड की क्षमा या उसके प्रतिलंबन विराम या प्रतिहार करने अथवा दंडादेश को निलंबित परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए इस मामले में राष्ट्रपति से विचार कर सकता है या किया जाता है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर सकता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण पदोन्नति कर सकता है। जो राज्यपाल है वह राज्य न्यायिका आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों को वह राज्य उच्च न्यायालय या राज्य लोक सेवा आयोग के से विचार कर सकता है। अब हम राज्यपाल की तीन महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण और क्षमादान शक्ति का विस्तार से राष्ट्रपति की तुलना में है यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है, भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था की गई है। तो राज्य में केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविक में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। दूसरे शब्दों में कहें कि राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें कि वह विवेक का इस्तेमाल कर सकता है या मंत्रियों की सलाह के बगैर कार्य करता है। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम इन्हें अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163 एवं 164 के उपबंधों से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 154 में क्या क्या आ गया है? राज्य को कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में नहीं होंगी, ये संविधानिक सम्मत कार्य है, सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संपन्न होंगे, यह अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में बताया गया कि अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 में उनके अन्य कार्यों को केवल या करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। और अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी,
वह उपबंध राज्यों में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में दो मामलों में भिन्न है। संविधान में इस बात की कल्पना की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना की गई है। ऐसी कल्पना है नहीं की गई है राष्ट्रपति के मामले में। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद है, राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह की कोई उपबंध नहीं है। संविधान में स्पष्ट किया गया कि यदि राज्यपाल के विविधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेक अनुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेधिकार जो राज्यपाल के जो संवैधानिक विवेक के अधिकार हैं, कौन कौन से मामलों में है? राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी में केंद्र शासित राज्य में या अतिरिक्त प्रकार की स्थिति में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातियों जिला परिषद का देय राशि का निर्धारण, राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। उपयुक्त संवैधानिक विवेक अधिकारों के अतिरिक्त उदाहरण के आधार पर संविधान में उल्लिखित विवेक अधिकारों के बारे में राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकता है, जैसे कि राजनीतिक स्थिति के मामले में अप्रत्यक्ष निर्णय। यह सब निम्नलिखित मामलों से संबंधित है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने या उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में निर्णय ले सकता है। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती के मामले में निर्णय ले सकता है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानमंडल के विघटित होने पर निर्णय ले सकता है या विघटित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल को कुछ विशेष दायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। ये मामले कौन कौन से हैं? जैसे कि महाराष्ट्र, विंध्य एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, ये इस प्रकार है। गुजरात के अंदर सौराष्ट्र कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हम देख लेते हैं कि जैसे कि राज्यों के राज्यपाल हैं, अनुच्छेद 153 में बताए गए हैं राज्यों के राज्यपाल, यानी राज्यों में राज्यपाल होने चाहिए। राज्यों की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं 154 में बताई गई है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में बताई गई है अनुच्छेद में। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल कार्यालय के लिए दर्शाए गए हैं, राज्यपाल के कार्यालय के लिए दशाएं दी गई हैं। 1959 जो अनुच्छेद है, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण बताया गया है। अनुच्छेद 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा दी गई है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद को राज्यपाल का सहयोग और सलाह देना बताया गया है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन इत्यादि बताए गए हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, राज्य की सरकार, 1965 में राज्य का महाधिवक्ता बताया गया है। 165 में अनुच्छेद में 166 जो अनुच्छेद है उसमें राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही बताई गई है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल की सूचना देने संबंधी इत्यादि को मुख्यमंत्री का दायित्व बताया गया है। अनुच्छेद 174 में राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान, उसका भंग होना बताया गया है। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को उन विधायिका को किसी या दोनों सदनों के संबोधित करने या संदेश देने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के द्वारा विशेष संशोधन बताया गया है, समाधान बताया गया है। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन 1106 में बताया गया है। अनुच्छेद 200 में विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करना बताया गया है। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख लेना बताया गया है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 217 में राज्यपाल को उच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना बताया गया है। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति बताई गई है। न्यूजीलैंड और यहाँ पर देखें हम, जैसे दूसरा ये उदाहरण था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की परामर्श लेता है और उसके बाद में स्वाभाविक से निर्णय लेता है, वो इन आधारों पर देखता है। हम देखते हैं जैसे कि गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, फिर है नागालैंड और तुंगसांग नाग पहाड़ियों पर आंतरिक विघटनों के चलते कानून व्यवस्था के संबंध में, असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था करना, मणिपुर राज्य की पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को बनाना, कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यकाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संविधान मुखिया होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। छठी अनुसूची का पैरा 9.2 कहता है कि यदि जिला परिषद को दिए जाने वाला किसी स्वामित्व के अंश में के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्यपाल को अवधारणा के लिए निर्देशित किया जाएगा कि राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अनुसार अवधारित रकम जिला परिषद को संदेह रकम समझी जाएगी। राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध बताए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर।